जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं आपकी दोस्त, आपकी वास्तुशास्त्री और आपकी टैरो कार्ड रीडर यशी। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर वास्तुशास्त्री, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, चूंकि आपके सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। और रिश्ते में हम दोनों माँ बेटी हैं, मैं माँ हूँ, ये बेटी है। हाँ, सही है जी यशी। तो चलिए, आज मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हम किसी की राशि से उस इंसान के चरित्र या उसके व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं? क्या हम ये बता सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है, वो इंसान कैसा है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारी राशि होती है इसका अर्थ ये होता है कि जिस वक्त, जिस समय पर हमारा जन्म हुआ है, उस समय चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो हमारी राशि हो जाती है। जिस नक्षत्र का होता है, जिस चरण का होता है, उसके ही सारे के सारे गुण हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं। अब हर राशि का अपना एक तत्व होता है, हर राशि अपने तत्व लेकर बैठी है, हर राशि के अपने गुण हैं। तो कौन व्यक्ति कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, ये उसकी राशि से हम 98% तक पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको चार राशियों के बारे में यहाँ पर बताने वाली हूँ। चलिए तो बताते हैं राशि और उनके व्यक्तित्व चरित्र के बारे में। मेष राशि वाले उत्साही होते हैं और आशावादी होते हैं। वृष राशि वाले बहुत व्यवहारिक होते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, उन्हें हर चीज़ बहुत मैनेज्ड चाहिए। मिथुन राशि वाले जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होते हैं, नई नई चीज़ों को जानना होता है, लेकिन सामाजिक होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, इन्हें दोस्त बनाना बहुत पसंद होता है। कर्क राशि वाले बहुत ईमानदार होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, उदार होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में लोगों से धोखा भी बहुत खाते हैं। चलिए, मुझे मेरे पहले क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम राशि से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी राशि के लिए अच्छी है, फेवरेबल है, और कौन सी राशि के लिए सही नहीं है, कौन सी राशि के साथ किस राशि की जमती नहीं है या जमनी नहीं चाहिए, क्या हम ये पता लगा सकते हैं? यशि, जब हम टैरो की बात करते हैं या जब हम आपकी ज्योतिष की बात करते हैं, तो आपको पता है जब हम किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं तो आपके टैरो के कार्ड्स में भी आप ये निकाल के देखते हो कि उस व्यक्ति का आपके साथ आज मेंटल लेवल किस लेवल पे होगा, राइट? और जब हम ज्योतिष करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका चंद्रमा और आपका चंद्रमा एक दूसरे के साथ कितना फेवरेबल है। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसका चंद्रमा आपके आज के चंद्रमा के साथ या आपके जन्म के चंद्रमा के साथ चौथा, छठा, आठवां या बारहवां तो नहीं है। तो अपन ये कह दे, कई बार आपने कहावत में भी सुना होगा कि अपन कह देते हैं, अरे यार क्या छठा चंद्रमा ही लेकर बैठा है क्या, कि हर बात उल्टी ही कर रहा है मुझसे। तो डेफिनेटली हर राशि का दूसरी राशि के साथ संबंध, उसके साथ फेवर, उससे लाभ, उससे हानि, उससे शुद्धता, उससे अशुद्धता, ये सारी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं केवल राशियों के आधार पर। जैसे कि मेष राशि वाले और तुला राशि वाले, ये वैसे तो एक दूसरे से सप्तम होते हैं, लेकिन इनकी अगर ट्यूनिंग बन जाए तो इनसे अच्छे पार्टनर्स कोई हो नहीं सकते। ये एक दूसरे के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं, ये एक दूसरे की बातें बहुत जल्दी मान लेते हैं, ये एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार तुला राशि और कुंभ राशि, इनके बीच में अफेक्शन, अट्रैक्शन, एक दूसरे को लेकर खिंचाव, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने का एक जुनून, एक दूसरे के लिए जिसे कहते हैं ना पैशनेट लव, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसी प्रकार अगर मैं ये कहूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हम बात करें कि कुंभ राशि वाले और सिंह राशि वाले, अगर ये दो व्यक्ति आपस में मिल गए, शुरू में इनकी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छा इनका ट्यूनिंग रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद इनसे बड़ा विद्रोही एक दूसरे के लिए कोई नहीं होगा। एक टाइम के बाद ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करने लगेंगे, हेट करने लगेंगे, एक दूसरे की चीज़ें इरिटेट करने लगेंगी। तो राशियों का इफेक्ट आपका दूसरे की राशि के साथ आता ही आता है। इसी आधार पर शायद हम जब कोई भी कंपनी खोलते हैं, हम कोई नया व्यवसाय चालू करते हैं,
हम किसी से शादी की बात करते हैं तो हम यही नाम आपस में टैली करते हैं, राशि के अनुसार ही तो होता है वो, हम नाम टैली करते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये राशियां आपस में एक दूसरे से मतभेद ही रहेंगी या इन दोनों का आपस में बनेगा नहीं, तो हम नाम चेंज कर देते हैं, हम लड़के का नाम या लड़की का नाम चेंज कर देते हैं ताकि आगे जाकर इनको कभी भी एक दूसरे के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि राशि, हम जिस भी नाम को जितना बोलेंगे ना, आपकी राशि उतनी एक्टिव होती है, उतनी चार्ज होती है और वो आपको उसी प्रकार के रिजल्ट्स देने चालू हो जाती है। तो डेफिनेटली राशि एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है और एक दूसरे का लॉस भी करती है। चलिए जी, अब अगली चार राशियों के बारे में बता देते हैं। सिंह राशि वाले बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, कुछ भी करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आपने इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी तो इनसे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। इनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाएंगे तो ये आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। कन्या राशि वाले बहुत मेहनती और जिम्मेदार लोग होते हैं और बहुत जल्दी बातों को समझ लेते हैं। तुला राशि वाले बहुत राजनीतिक आदमी होते हैं, हर चीज़ के अंदर अपना फ़ायदा ज़रूर देखते हैं, लेकिन साथ साथ में सामाजिक भी बहुत होते हैं और बहुत जल्दी लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वृश्चिक राशि वाले विश्लेषणात्मक होते हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों का अंदर तक तह तक जाकर विश्लेषण करने की आदत होती है। ये किसी भी चीज़ को सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर बहुत मेहनती भी होते हैं। चलिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन भी आंसर हो चुका है, अब मैं चलती हूँ मेरे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर किसी इंसान को उसकी राशि नहीं पता हो, अगर उसे नहीं पता कि वो किस राशि का है, तो वो अपनी राशि को कैसे पता लगाए कि मैं कौन सी राशि का हूँ, और वो अपना कैलकुलेशन कैसे करे, वो अगर किसी को अपने बारे में बताना चाहता है तो वो किसी को अपने बारे में कैसे बताएगा जब तक उसको राशि पता नहीं हो। चंद्रमा आपकी बॉडी के अंदर ना अपने बहुत सारे सिम्टम्स देता है, आपके फेस पर, आपकी आंखों में, आपकी नाक कैसी है, आपका मुख कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आपकी फुल बॉडी में अलग अलग आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी हाइट, आपका रंग, आपका रूप, हर एक चीज़ जो होती है वो आपको दर्शाती है कि आपके अंदर कौन सी राशि के तत्व ज़्यादा होंगे। जो भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होगा या जिसको ज्योतिष का बहुत अच्छा नॉलेज होगा, वो आपकी सामुदायिक शास्त्र से यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको 90% तक टच करके बता सकता है कि आपकी राशि ये होगी। और बहुत सारे लोग जिनके पास ऐसे कोई लोग नहीं है या जिन्हें नॉलेज नहीं है, वो अपने बोलते नाम से अपनी राशियां देखते हैं। और चूंकि हम जिसका नाम बार बार दोहरा रहे हैं, हम जिसका नाम बार बार ले रहे हैं, और मैंने अभी आपको बोला कि आप जब किसी नाम को बार बार लेते हैं तो वो चीज़ जागृत होती है, उस चीज़ को एक एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे हम राम 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 राम, हम जितनी बार राम 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 हम जाप करेंगे उतनी बार हमारे मन को, हमारे आत्मा को एक ऊर्जा प्राप्त होती चली जाएगी, एक बल मिलता चला जाएगा। हम जितनी बार हनुमान जी का नाम लेंगे हमें एक शक्ति अपने अंदर आती हुई दिखाई देगी। हम जितनी बार कृष्ण का नाम लेंगे उतनी बार हमें अपने अंदर एक बहुत सुकून, एक बहुत शांति सी पीस मिलती चली जाएगी। हम जितनी बार माँ राधा का नाम लेंगे, राधा 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 हम बोलेंगे, उतना ज़्यादा हमारे अंदर, हमारे मुख पर, हमारी आत्मा में मातृत्व वात्सल्य झलकेगा। उसी प्रकार हर एक नाम जो है ना अपना एक तत्व रखता है। तो जिन लोगों को उनका कुछ नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उन्हें कुछ भी चीज़ नहीं पता, उनके नाम के आधार पर हम 70% तक उनकी राशियां और उनकी लाइफ की चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक तरीका होता है, आपकी हस्त रेखा के अंदर पता चल जाता है कि आपका चंद्रमा कौन सी राशि का होना चाहिए। इसके अंदर ये होता है कि जैसे आपकी राशि जो भी ग्रहों को प्रतिनिधित्व कर रही है, जैसे कि आपका बुध है, बुध आपके दो राशियों के ऊपर होल्ड करता है, एक मिथुन के ऊपर करता है, एक कन्या के ऊपर करता है। जैसे कि आपका गुरु है वो धनु और मीन को करता है, जैसे कि आपका शनि है वो आपका मकर और कुंभ को करता है, जैसे कि आपका शुक्र है वो वृष और तुला को करता है। तो ये जो आपके ग्रह है जो दो राशियों को होल्ड करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको थोड़ा सा निकालना एक बहुत
गहनता का विषय है, आपको और भी चीज़ों को उसके अंदर कैलकुलेट करना पड़ता है। केवल आप हाथ की रेखाओं को रीड करके 100% उसकी राशि नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर अच्छा हस्त विशेषज्ञ है जिसको अच्छी तरह हाथों की रेखाओं को पढ़ना आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना आता है, आपके चेहरे को पढ़ना आता है, तो वो एक्यूरेट आपकी राशि आपको निकाल के बता सकता है। धनु राशि वाले बहुत समर्पित होते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे, आप जो बताएंगे आपकी बात को मान लेंगे, लेकिन अपनी चीज़ों पे बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, एक बार जो चीज़ ठान ली वो करके ही छोड़ेंगे। मकर राशि वाले बहुत शक्तिशाली होते हैं और बहुत सकारात्मक होते हैं। कुंभ राशि वाले बहुत व्यवस्थित होते हैं लेकिन बहुत अनुभवी होते हैं, और ये अपनी बातों से किसी को भी बहुत जल्दी इम्प्रेस कर सकते हैं। मीन राशि वालों का रचनात्मक कार्यों में बहुत रुझान होता है पर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। इनको आप कोई भी बात बहुत सरलता से ना तो मनवा सकते हैं ना ही आप कह सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेरे चौथे सवाल की तरफ। चलिए चलते हैं मेरे चौथे सवाल की तरफ। तो मेरा चौथा सवाल ये है कि क्या हमारी कुंडली में हमारा जो लग्न है उसी से हमारा भाग्य बताया जाता है, या क्या उसी से हमें पता चलता है कि हमारा भाग्य कैसा रहने वाला है, या हमारी राशि भी इसमें कोई रोल प्ले करती है? देखो बेटा, राशि का मतलब ये होता है आपकी कुंडली में बैठा हुआ आपका उस घर का, उस राशि का पर्टिकुलर का आपका चंद्रमा। जैसे कि मेरा चंद्रमा तुला का है और मेरा तुला का चंद्रमा है तो हर रोज चंद्रमा अपनी जो गति है वो बदलता है, और 2.5 दिन के अंदर वो एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में चला जाता है। तो हम राशियों से अपनी बारीक से बारीक प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि हमारा आज का दिन ऐसा है तो 2.5 दिन बाद हमारा दिन कैसा होगा, या हमारा 6 घंटे बाद हमारा टाइम कैसा होगा, हमें 6 घंटे बाद किन किन चीज़ों के लिए प्रिकॉशन रखना चाहिए। बारीक से बारीक कैलकुलेशन का जो काम है वो हमारी राशि के आधार पर हमारा चंद्रमा हमें दे सकता है। लेकिन अगर आप बात करें कि बहुत विस्तार में चीज़ें जाननी है, भाग्य की बात अगर आप करें, भाग्य को लेकर अगर आप मुझसे ये कहें कि क्या हमारी राशियों से हमारे भाग्य के ऊपर कोई इफेक्ट आता है, बिल्कुल आता है। जैसे कि मेष राशि वाले हैं तो उससे पता लगता है कि कौन सी आयु में जाकर इनका भाग्य जागृत हो सकता है, लेकिन शर्त क्या होती है, उसके अंदर आपके लग्न का सपोर्ट भी होना चाहिए, और आपके लग्न में बैठा हुआ 9th हाउस का मालिक भी आपके चंद्रमा के साथ में एक संबंध बनाना चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशंस क्लियर हो पाएंगी। ये आपके साथ में कुछ ऐसा है कि आपको राशियों के रूप में एक अल्फाबेट सिखा दिए गए हैं, ABCDEFGH आपको सिखा दिए गए हैं। अब अगर आपको कोई स्पेलिंग बनानी है तो आपके पास में वो अक्षर है जिनको जोड़ जोड़ कर आप एक शब्द बना सकते हैं। तो आपकी राशि जो है वो आपका अक्षर है जिसको अगर हम आपकी लग्न कुंडली के साथ जोड़ेंगे तो वो एक शब्द का निर्माण कर देगी, और आपकी बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकती है, हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकती है, हमें उन चीज़ों के बारे में बता सकती है, और डेफिनेटली ये आपके भाग्य को कैसे राइज करना है उसके लिए हमें हेल्प कर सकती है। तो चलिए, मेरे चौथे सवाल का भी मुझे जवाब मिल गया है। अब आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मुझे राशियों पे ही जानना था जो आपने मुझे बता दिया है। तो चलिए हम चलते हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।